आप सभी लोगों को मालूम होगा कि दैनिक भास्कर की तरफ से एक प्रतियोगिता चलाई जा रही है और इस प्रतियोगिता में आप भी भाग ले सकते हैं और इनाम के रूप में कुछ पा सकते हैं। अब बात आती है कि इस प्रतियोगिता में किस तरह से आप भाग लेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा कि इस नंबर पर आप लोगों को मिस कॉल देनी होगी। किस नंबर पर? देखिए, यह 9190000072। एक बार हिंदी में बोल देता हूँ, 9190, फिर आप देखेंगे 4072। इस पर आप लोग जैसे ही मिस कॉल देंगे उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा और मैसेज में आपको एक लिंक दी होगी और उस लिंक पर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने एक होम पेज आ जाएगा और उस पर कुछ सवाल दिए होंगे, कुछ आपके बारे में अपने बारे में जानकारी भरनी होगी और उन सवालों के वहाँ जवाब देके आप लोग सबमिट करके इस प्रतियोगिता में एक तरह से भाग ले सकते हैं। और याद रखिए, सुबह ये लिंक सुबह 6 बजे एक्टिव हो जाती है और आप देखेंगे शाम के 3 बजे तक खुली रहती है एक तरह से। अब बात आती है विजेताओं की कि विजेताओं के नाम कैसे मालूम चलेंगे। तो याद रखिए, जो आपका अगले दिन दैनिक भास्कर का न्यूज़पेपर आता है उसके जो मेन पेज होता है उसी पर आप लोगों को विजेताओं के नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आप लोग कुछ कहेंगे कि मेरे पास तो दैनिक भास्कर नहीं आता है, तो आपको बता दूं कि आप ईपीडीएफ डाउनलोड करके भी इसका पता कर सकते हैं। गूगल पर आप लोग जाएंगे, जैसे ही आप लोग दैनिक भास्कर ई पेपर लिखेंगे तो आपके सामने वह न्यूज़पेपर आ जाएगा, उसे आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिएगा। अब बात आती है कि आज के सवाल कौन कौन से हैं और याद रखिए इसमें बड़े आसान सवाल रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्राचीन भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है। क्या कह रहा है? सबसे पहले यानी कि प्राचीन भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है। तो मुझे लगता है कि इतिहास आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको मालूम भी होगा। ए ऑप्शन है राजतरंगिणी। क्या है इसमें, क्या लगाओगे आप लोग? राजतरंगिणी, ठीक है। फिर आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आएगा, कहेगा कि भारतीय मानक समय यानी कि IST और ग्रीनविच माध्य समय यानी कि GMT में कितना अंतर है। तो आप देखेंगे इसमें 5.5 घंटे का अंतर आपको देखने को मिलेगा दोनों के बीच, तो इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, 5.5 घंटा प्लस 5.5 घंटा, ठीक है। क्वेश्चन आएगा आपके सामने तीसरा, अशोक चक्र से सम्मानित पहली महिला कौन है? तो याद रखिए नीरजा भानोट या भानोट भी कह देते हैं, तो ए ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। पहले में आप लोग राजतरंगिणी लगाएंगे, दूसरे में आप लोग प्लस 4.5 घंटे और तीसरे में आप लोग नीरजा भानोट, ठीक है। तो इन्हें आप लोग लगा दीजिएगा, वहाँ आप लोग भाग ले सकते हैं। चलिए, तो हम लोग आगे डेली मिलते रहते हैं, जब तक ये प्रतियोगिता चलती रहेगी तब तक आपको इनके आंसर बताता रहूँगा, ठीक है।